गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, हमने अभी तक एडजॉइंट निकालना सीख लिया, डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया, इनवर्स भी निकालना सीख लिया। अब इन तीनों की हेल्प से हम आज सॉल्व करेंगे कि हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो व्हाट दिस मीन्स कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल जैसे सिमिलरली आपने प्लस वन प्लस टू में किया था, बिल्कुल आपका रिविजन ही चल रहा है, आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तो वैसे तो आप लोगों को ही खुद सॉल्व करना चाहिए। चलो तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये सारी टर्म्स इधर सिर्फ एक्स वाई जेड वाली टर्म्स रखेंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स। सेकेंड वन इज एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन। एंड थर्ड इज एक्स प्लस फोर वाई प्लस नाइन जेड इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x के कॉफिशेंट से फर्स्ट कॉलन, y के कॉफिशेंट से सेकेंड कॉलन और z के कॉफिशेंट से थर्ड कॉलन, ऐसे कॉलन्स बनाने हैं और उसको नेम क्या देना है, A मैट्रिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट वन वन वन, तो ये वन वन वन। नेक्स्ट इज वन टू फोर, सिर्फ कॉफिशेंट्स पिक करने हैं और कुछ भी नहीं करना। अब z के कॉफिशेंट क्या है, वन थ्री नाइन, वन थ्री नाइन। अगर कहीं पे किसी इक्वेशन में वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे होता कि x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स, तो z ना होता तो z के प्लेस पे यहाँ जीरो लिख देते हैं, है ना। जब वो नहीं है तो दैट मीन्स उसके प्लेस पे कॉफिशेंट जीरो आता है। तो अभी यहाँ तो थे सारे इसलिए मैंने लिख दिया, बट कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको नहीं गिवन होगा z या कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा, तो आप वहाँ पे उसका कॉफिशेंट क्या लिखेंगे, जीरो। अब b इक्वल्स तो एक और मैट्रिक्स लिखनी है। b किससे लिखना है, जो इक्वल में टर्म्स पड़ी हुई हैं इनसे, इनको एक कॉलन में लिख देना है, माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन माइनस थर्टी सिक्स, दिस इज b। और जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसको हम x का नेम देंगे, x y z, इनका एक कॉलन बना लिया है। ठीक है, तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, मतलब हमें x चाहिए सॉल्व करना है, तो ये कैपिटल x चाहिए। सो दिस कैपिटल x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इनवर्स b। कैसे आया ये, देखो ये क्या है a, तो ये जो अगर इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेंगी, a x इक्वल्स टू b, पर मुझे x फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। और a a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो ये यहाँ से आता है। तो बस हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है और b को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इज के डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, देन सेकेंड वन इज एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वो इजी सा काम है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। चलो तो फाइंड करते हैं, कैसे एक्सपैंड करें बताओ, ऐसे भी वन 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 ही है, ऐसे भी वन 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 ही, जैसे मर्जी कर लो। तो हम फर्स्ट कॉलन से ही कर लें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वन वन के साथ क्या आएगा, टू फोर थ्री नाइन, बीच में माइनस और वन, इसको पकड़ा तो ये वाला गया और ये वाला गया, तो क्या आया, वन वन फोर नाइन प्लस वन। अब ये वाला लास्ट वन को पकड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले चार बचे, वन वन टू थ्री। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व कर लो आप, वन 18 माइनस 12 माइनस 1 9 माइनस 4 प्लस 1 3 माइनस 2, सो ये हो गया 6, ये हो गया 5 माइनस 5 एंड दिस इज प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2। सो हमने क्या फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2। ओके, इतना क्लियर कि डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के साइड मूव करते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में डायरेक्टली लिख दूं, आप लोग खुद निकाल लेंगे। देखो ए वन वन की मैं सबके ना कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना आपको लास्ट दो वीडियोस में ना सिर्फ एडजॉइंट ही निकालना बताया और कुछ नहीं किया। सो ए वन टू ए वन थ्री,
देन ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री. देन लास्ट वन इज ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. तो अब ये लिख देते हैं कितना कितना आ रहा है. ए वन वन इज सिक्स, ए वन टू इज माइनस सिक्स, ए वन थ्री इज टू, ए टू वन इज माइनस फाइव, ए टू टू इज एट, ए टू थ्री इज माइनस थ्री, ए थ्री वन इज वन, ए थ्री टू इज माइनस टू, ए थ्री थ्री इज वन. ठीक है, ये सारे लिख दिए. तो अब जो एडजॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सारे के सारे कोफैक्टर्स लिख दो, सिक्स माइनस सिक्स टू, माइनस फाइव एट, माइनस थ्री वन, माइनस टू वन, और इसका ट्रांसपोज लेना. जल्दी से ट्रांसपोज ले लो, इसको ऊपर लिखो सिक्स माइनस फाइव वन, अब ये वाली को ऊपर लिखो माइनस सिक्स एट माइनस टू, देन लास्ट वन इज टू माइनस थ्री वन. ठीक है, सो एडजॉइंट आ गया. अब हम लिखेंगे क्या, डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं. ठीक है, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. ए इनवर्स की वैल्यू लगाओ, देखो वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज टू, तो वन बाय टू, और ये क्या क्या है, सिक्स माइनस फाइव वन, माइनस सिक्स एट, माइनस टू टू, माइनस थ्री वन. यही है हमारे पास. और साथ में बी लिखना है, बी इज वॉट, माइनस सिक्स, माइनस फोर्टीन, माइनस थर्टी सिक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लेट किया था. तो बस अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, और फिर डिवाइड करनी है टू से. ठीक है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कैसे, एक एरो इधर लगाया, एक एरो इधर लगाया, तो ये क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर लास्ट वन का इसके साथ. तो ये क्या आएगा, सिक्स इंटू माइनस सिक्स, माइनस फाइव इंटू माइनस फोर्टीन, प्लस वन इंटू थर्टी सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स. ठीक है, सेकेंड वाली रो के साथ देखो, माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स, एट इंटू माइनस फोर्टीन, माइनस टू माइनस फोर्टीन. ऑन द थर्ड रो इज, थर्ड वाली रो लिखो, टू माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर्टीन, प्लस वन इंटू माइनस थर्टी सिक्स. ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गए, और इसके बाहर वन बाय टू भी है. अब ज़रा इसको सॉल्व करो, है ना. सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या क्या आ रहा है, आप लोग खुद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. तो ये आएगा माइनस टू, यहाँ आएगा माइनस फोर, यहाँ आएगा माइनस सिक्स, इन सबको सॉल्व करके. तो बाहर टू है, टू से डिवाइड करना है, सो क्या आएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सबको टू से डिवाइड कर दिया. तो ये हमने क्या लेट किया था, कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स क्या था, एक्स वाई जेड, यही लेट किया था. और इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. सो दिस इम्प्लाइज कि एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू माइनस टू, एंड जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री. सो आर यू गेटिंग कि हमारे पास ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास एक्स वाई और जेड निकल गए. तो एक्सरसाइज में जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, उनका सिर्फ एक ही मेथड है, आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. अब तो आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करें, और जो डाउट्स हैं वो सब मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. अब हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. अब सिर्फ क्या बचे हैं, थ्योरम्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, थ्योरम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज की. तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास.